नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन में भंडा फोड़ हुआ था फ्रेंड, इसका एक और फॉलोअप निकल करके आ रहा है। सॉल्वर गैंग के सदस्यों के मोबाइल से डिलीट डाटा निकालेगी ATS, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, यहाँ तक इंडिया में होने वाले 470 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का आप 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं केवल और केवल एक सिंगल टेस्ट बुक पास से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, जिसको अप्लाई करेंगे आपको सीधा 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा मात्र 360 रुपया। तो जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्वर गैंग है फ्रेंड, इसका फर्स्ट अपडेट हम लोगों ने दिया था जिसमें बताया गया था कि अभ्यर्थियों से सॉल्वर गैंग ने ले चुका है 2 करोड़ एडवांस, ठीक है। रेलवे की NTPC परीक्षा के नाम पर ली गई है मोटी रकम। इसका जो सेकेंड अपडेट था वो कल के डेट में हम लोगों ने आपको दिया था कि मुजफ्फरपुर का नव इन्फोटेक सेंटर हो सकता है सील, और आज की अपडेट है, आज का अपडेट आपके सामने है फ्रेंड। पटना वरीय संवाददाता, स्कॉलर गैंग के सदस्यों के मोबाइल से डिलीट हुए डाटा को खंगालने में पटना पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसके लिए ATS की मदद ली जा रही है। दरअसल अश्विनी सौरभ सहित अन्य आरोपितों ने पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही अपने मोबाइल में सेव तमाम नंबरों व अन्य कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दिया था। अगर पुलिस उन नंबरों को दोबारा हासिल कर लेती है तो बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड अभी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी के लिए कुछ होता है तो उसका मोबाइल होता है, क्योंकि मोबाइल से ही आप सारा कम्युनिकेशन करते हैं। और मोबाइल से जो है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स ने इनको पैसे दिए थे, अभी आगे इस वीडियो में इसी में न्यूज़ में आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे फोल्डर्स में स्टूडेंट्स के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तक मिले हैं। तो आप समझिए जो भी स्टूडेंट लोगों ने इन लोगों को पैसे दिए होंगे आज वो स्टूडेंट्स पे क्या गुजर रही होगी। कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के गर्दन पे भी तलवार लटक रही होगी कि यदि अगर उनका नाम सामने आता है तो उस केस में आपको पता होगा हमारे देश में घूस लेना अपराध है तो घूस देना भी अपराध है। इसलिए सभी स्टूडेंट से उमंग स्टडी बार बार रिक्वेस्ट करती है किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल अपडेट का केवल और केवल एक सोर्स होता है, वो होता है ऑफिशियल वेबसाइट। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हैं तो केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से लें, या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो ये जरूर से जरूर चेक करें कि आपको वो इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड करवाई जा रही है या फिर नहीं करवाई जा रही है। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की मासूमियत का फायदा बहुत लोग उठाना चाहते हैं और अक्सर जहां भी उनको मौका मिलता है वहां स्टूडेंट्स को धर दबोचने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए अब समय आ चुका है कि रेलवे के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको दिखा दे कि वो कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट से कम अवेयर नहीं है। जहां भी कोई भी आपको घुसखोर 1 रुपया भी मांगता आप सीधा उनको बताइए कि हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम लोग अवेयर हो चुके हैं और हमें अच्छे से पता है कि कहीं पर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हम लोग तो एटलीस्ट आपको 1 रुपया कहीं पर भी देने बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कल के न्यूज में हम लोगों ने आपको बताया था फ्रेंड, ये जो अश्विनी वैष्णव है इसे एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने लगभग 70 लाख रुपए का एक एग्जामिनेशन सेंटर को स्थापित किया, उस एग्जामिनेशन सेंटर का अप्रूवल लिया, और जब खुद का ही एक एग्जामिनेशन सेंटर हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस लेवल की धांधली हो सकती है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बिहार के बाहर के स्कॉलर गैंग के सदस्यों का पता भी चल सकता है। सभी मोबाइल को पुलिस ने ATS के हवाले कर दिया है ताकि डाटा को निकाला जा सके। दूसरी ओर पुलिस टीम सोमवार को मुजफ्फरपुर से पटना लौट आई है। मुजफ्फरपुर स्थित अश्विनी सौरभ के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जब्त हुए सभी कंप्यूटरों को जल्द ही जाँच शुरू होगी। SSP मानवजीत सिंह ने बताया कि पुलिस गया में भी जाकर छानबीन करेगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग, यदि अगर इनके मन में कोई ऐसा ख्यालात भी आता है कि ऐसी घटनाएं करनी भी है तो उनका रूह कांप जाना चाहिए। ऐसी लोगों के सजाए के बारे में जब उनको दिमाग में आए कि यदि हम पकड़े जाएंगे तो हमें ऐसी सजा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों अभ्यर्थियों की भावनाओं की बात है। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा सालों साल इंतजार कर रहे हैं केवल और केवल एग्जाम डेट के लिए। अभी हाल ही में ग्रुप D का नोटिफिकेशन का लगभग 3 साल पूरा हो चुका है और एग्जाम डेट का भी पता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।